बिहार में राजधानी पटना समेत कई अन्य शहरों में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ते प्रदूषण की समस्या को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य के आला अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। मुख्यमंत्री आवास के संवाद कक्ष में आयोजित इस बैठक में उन्होंने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर चिंता जताई। इसे नियंत्रित करने के लिए कई अहम निर्देश दिए और साथ ही नियमों को तुरंत लागू करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में लिए गए सभी अहम फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में 15 साल से पुराने कोई भी सरकारी वाहन नहीं चलेंगे, साथ ही ऑटो चालकों पर सख्त नजर रखी जाएगी। सरकारी गाड़ियों के बारे में जो 15 साल से पुरानी है, चाहे वो निगमों की सरकारी निगम की उसके भी गाड़ी की हुई है, पूरे राज्य में यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह आदेश कल निर्गत हो जाएगा, कल के बाद से सारी गाड़ी प्रतिबंधित हो जाएंगी। 15 साल से पुरानी जो व्यावसायिक वाहन है, जो कमर्शियल वाहन है, उनको भी प्रतिबंधित किया जा रहा है, मगर वह पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए होगा। यह भी नोटिफिकेशन कल निकलेगा। तो कमर्शियल वाहनों का बंद, इस तरह से 15 साल के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और जो निजी वाहन है 15 साल से पुराने, उनको यह डायरेक्शन दिया जा रहा है कि वह पुनः पॉल्यूशन की जांच करा ले, सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और उसके बाद चलाए। और इसके जांच के लिए विशेष अभियान कल से परिवहन विभाग शुरू कर रहा है। कैंप लगाए जाएंगे जहां पर पुरानी गाड़ियों को परिवहन जांच हो सकता है, उनमें अपना पॉल्यूशन जांच कराया जा सकता है। यह जानकारी मिल रही है कि ऑटो और इस तरह के कुछ गाड़ियों में किरासन तेल का उपयोग होता है, तो सरकार के द्वारा किरासन तेल आवंटित होता है। तो यह निर्णय लिया गया है कि इसकी सघन जाँच कराई जाए कल से, और जो इस तरह के ऑटो चालक मिलावट करके पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, और उन्हें और इस तरह के ऑटो वाहनों को भी पुनः पॉल्यूशन चेक लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी कल से अभियान शुरू होगा। तीसरा निर्णय हुआ है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन शहरों में हो, चाहे वह रोड के कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो सरकारी क्षेत्र में, उसमें यह निर्णय है कि उनको कवर करना होगा, जो कपड़े से कवर करना होगा ताकि डस्ट नहीं उड़े उसका, और पानी का सतत छिड़काव करना पड़ेगा। और जितने भी गाड़ियां जो चलेंगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके चलती हैं, उन गाड़ियों को कवर करके रखना पड़ेगा। यह तो सरकारी जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस है। नगर निगम को भी ये भी निर्देशित किया गया है कि प्राइवेट भी जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट का हो रहा हो या घर का हो रहा, कंस्ट्रक्शन को कवर करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ऐसे खुले में नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी भी सघन चेकिंग होगी और इसकी भी कार्रवाई की जाएगी। चौथा निर्णय है, और निर्णय जो डीजी सेट्स हैं, जनरेटर सेट्स होते हैं, जिससे जो यूज किए जा रहे हैं, खासकर शादी ब्याह भी होते हैं, बाकी फंक्शन भी होते हैं, मेला वाला लगता भी होते हैं, तो उसको उसमें जो प्रावधान है कि साउंडलेस जेनरेटर लगना चाहिए, तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा और इस पर भी सघन चेकिंग कराई जाएगी। वहीं निजी निर्माण कार्यों को लेकर नगर निगम को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ढककर निर्माण कार्य चले। जितनी भी निर्माण सामग्रियों का परिचालन वाहनों के माध्यम से कराया जाएगा, उन्हें अच्छे से ढकना अनिवार्य होगा। जारी किए गए आदेशों का पालन किया जाएगा तो कई हद तक प्रदूषण स्तर को कम किया जा सकेगा। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।